अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे इज ट्यूसडे। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाजरा, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर खोलें 25, और हमारी दुआ नंबर 2 है मस्जिद में दाखिल होने की दुआ। अल्लाहुम्मा फ्ताहली अबवाब रहमतिका, एक दफ़ा फिर अल्लाहुम्मा फ्ताहली अबवाब रहमतिका। सब बच्चे यहाँ पे आज की डेट डालेंगे 30/6/2020। पिछली क्लास में हमने अपना सबक नंबर 1 अल्लाह ताला पढ़ा था कि अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला हमारा रब है और अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नेमतें अता की। ये हमारा सबक नंबर 2 है जिसका नाम है अल्लाह ताला का शुक्र। इसमें हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें जो जो नेमतें दी हैं हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जिसने हमें पैदा किया, हमें देखने के लिए आँख दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जुबान दी, काम करने के लिए हाथ दिए और चलने फिरने के लिए पैर अता दिए। खाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें सब्ज़ी फल दिए, पीने के लिए पानी और बहुत सी मशरूबात दी। इन सब के लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सच्चे दिल से, प्यार से, अल्लाह ताला का खुशी से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे खुश होगा। क्या बच्चों आपको पता है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? चले आज मैं आपको बताती हूँ कि हम अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का सबसे आसान तरीका है कि हम अल्लाह ताला की जिस चीज़ को भी देखें उस चीज़ को देखते अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जैसे खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद, और हर चीज़ को देख के हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अब बच्चों आप सबके पास ये वाला प्लानर आ गया होगा कि आपको 1 वीक का प्लानर है। 30 तारीख को आप लोग अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाएंगे। 1 जुलाई को आप लोग अपनी कॉपी के अंदर ये तीनों सवाल करेंगे जिसके जवाब आपकी समर वेकेशन फाइल में मौजूद हैं। 2 तारीख को आप लोग ये वाली सरगर्मी अपनी कॉपी में करेंगे और 4 तारीख को आप लोग स्कूल आके ये काम चेक कराएंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।